सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। मंडे के लिए मेरे क्या व्यूज रहेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा, आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आगे आने वाले सेशंस में और क्या क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और इस चैनल के ऊपर अभी नए आए हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी, मैं इस चैनल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर डेली एनालिसिस वीडियो अपलोड करती हूँ और शेयर मार्केट के रिलेटेड सारी अपडेट, सारी न्यूज आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सही से आती जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर पैसे बनाना चाहते हो, रोज ट्रेडिंग करना चाहते हो, साथ में नॉलेज बिल्डअप करना चाहते हो तो आप मेरा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप के क्या फायदे हैं, तो अगर आप चाहे तो आप मंथली भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर पर एक्सपायरी भी ज्वाइन कर सकते हो। मंथली के लिए आपको क्या है फीस, 4,000 रुपीज पर मंथ। और प्रोसीजर क्या है, इस यूपीआई आईडी पे या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको पैसे सेंड करना है। पैसे सेंड हो जाने के बाद आपको मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना है और नंबर जो है वो आपको यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। ये पब्लिक आईडी है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर अगर आप ये यूजर नेम भी डालोगे तो भी आपको ये अकाउंट मेरा मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है पेमेंट का और अपना नाम और नंबर साथ में भेज देना है। और ये मंथली के लिए 4,000 रुपीज़ है, अगर आप चाहे तो आप पर एक्सपायरी के लिए भी ले सकते हो। अभी 3 नवंबर को एक्सपायरी है तो 400 रुपीज़ पर एक्सपायरी है। अगर आप चाहे तो आप एक्सपायरी ट्रेडिंग ही कर सकते हो तो भी आपको प्रोसीजर सेम है, सिर्फ अमाउंट आपको 400 रुपीज़ सेंड करना है और मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना है मेरे व्हाट्सएप पे। कुछ भी क्वेरी होगी तो आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे मुझे भेजना है, कॉलिंग नहीं करना है, कॉलिंग अलाउड नहीं है। अभी इस ग्रुप में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कॉल्स मिलते हैं, साथ में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए एक्स्ट्रा चार्ट भी मिलता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, जहाँ पे आपको नॉलेज भी मिलता है कि मार्केट सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है, यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेडिंग भी हो रही है। आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी मिल रहा है, स्टॉक्स भी मिल रहे हैं, फिक्स स्टॉप लॉस मिल रहा है, लाइव मार्केट सपोर्ट मिल रहा है और इन सब के साथ साथ आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, तो ये बढ़िया बात है। और पैसे कितने आपको पे करने हैं, 4,000 रुपये, जो कि आपके एक दिन के अंदर ही कवर हो जाएंगे। जो भी लोगों ने मेंबरशिप ली है उन सारे लोगों ने मुझे आज स्क्रीनशॉट भेजा है और मैंने यहाँ पे अपलोड भी किया हुआ है, ये मेंबर्स का रिव्यू है। एक दिन के अंदर जो पैसे उन्होंने डाले थे उनको वो मिल गए हैं प्रॉफिट बनकर। और एक दिन का प्रॉफिट अगर इतना है तो आप सोच सकते हो पूरे महीने का कितना होगा। और एक्सपायरी के दिन भी जो भी ट्रेड्स हमने लिए हुए हैं वो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, आप ये पब्लिक चैनल जो है टेलीग्राम का वो चेक कीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कॉल्स नहीं मिल रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है, आपको सीखने भी मिल रहा है ताकि आगे चल कर आप मुझ पर डिपेंड ना रहो, आपको भी नॉलेज मिले, यही मोटिव है बस और कुछ नहीं। और जो निफ्टी का एनालिसिस मैं डेली डालती हूँ वो भी इसी पब्लिक चैनल के ऊपर डालती हूँ, साथ में मैं पब्लिक चैनल के ऊपर एक फ्री डेमो कॉल भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको चाहिए कि डेमो कॉल चाहिए तो आप पब्लिक चैनल फॉलो करके जो डेमो कॉल मिलता है वो आप चेक कर सकते हो। बस इतना सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपीज में मिल रहा है, जो कहीं नहीं मिलेगा। साथ में बहुत सारे लोग जो है उनको मैं गाइड भी करती हूँ, उनको ट्रेडिंग में जो फर्स्ट न्यू आए हैं उनको भी मैं गाइड करती हूँ कि कैसे ट्रेडिंग करना है, कितना कैपिटल यूज करे, कितना नहीं करे, इन सब के बारे में मैं जानकारी आपको यहाँ पे देती हूँ, लाइव मार्केट में भी देती हूँ, साथ में व्हाट्सएप पे भी देती हूँ। तो जल्दी से
मेंबरशिप प्रीमियम चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं एंट्री कभी भी क्लोज कर सकती हूँ, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आप 4,000 रुपीज के लिए ले रहे हो तो इस QR कोड को स्कैन करो, 400 रुपीज के लिए ले रहे हो तो इस QR कोड को स्कैन करो, अदरवाइज ये जो UPI ID है इस UPI ID पे आप पेमेंट सेंड कर सकते हो। अगर आपको नेट बैंकिंग डिटेल्स चाहिए तो भी आप मुझे WhatsApp कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अभी चालू करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे आई है, 39,115 के पास निफ्टी बैंक की क्लोजिंग जो है वो आई हुई है। कल के वीडियो में मैंने क्या कहा था आपसे, 39,000 का लेवल निफ्टी बैंक के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर 39,000 ब्रेक करता है निफ्टी बैंक तो निफ्टी बैंक को कोई नहीं बचा सकता, एक शार्प फॉल हमें देखने को मिलेगा। फिर डाउनसाइड के लिए निफ्टी बैंक हमें 37,000 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल आज की बात करें तो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो 39,000 निफ्टी बैंक ने मैनेज कर लिया है, लेकिन आज जो इंट्राडे में गिरावट देखने को मिली 39,000 के नीचे, निफ्टी बैंक हमें 38,426 तक गिरता हुआ दिखाई दिया था आज, और डेज लो से रिकवरी करते हुए निफ्टी बैंक ने 39,500 के ऊपर जाने के लिए ट्राई किया, सस्टेन करने के लिए ट्राई किया, लेकिन नहीं हो पाया, और फिर से 39,700 के पास से हमें गिरावट जो है वो निफ्टी बैंक के अंदर आती हुई दिखाई दी। और अभी फिलहाल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर निफ्टी बैंक 39,100 के ऊपर बंद हुआ है। 3 दिन से शार्प फॉल हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक के अंदर। अभी देखिए ये जो लेवल था 36,870 का, यहां से हमें एक मार्केट के अंदर रिकवरी आती हुई दिखाई दी थी, एक अच्छी खासी तेजी जो थी वो हमें इस लेवल से आती हुई दिखाई दी मार्केट के अंदर। अभी अगर देखें तो 41,850 के आसपास निफ्टी बैंक ने न्यू हाई बनाया, और वहां से गिरावट कंटिन्यू होती हुई अभी फिलहाल निफ्टी बैंक 39,000 के पास आके बंद हुआ है। क्या गिरावट यहां तक खत्म हो चुकी है कि अभी और गिरावट बाकी है? तो अभी देखिए निफ्टी बैंक के लिए फिलहाल डाउनसाइड के लिए 38,000 का सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, 38,000 और 37,500 ये सपोर्ट लेवल है अभी डाउनसाइड के लिए निफ्टी बैंक के लिए। अगर निफ्टी बैंक इस लेवल को भी तोड़ देता है तो यहां से 36,500 तक निफ्टी बैंक हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, तो यहां से चांसेस है निफ्टी बैंक के रिकवरी करने के। अगर यहां पे गिरावट खत्म होती है, ये जो कैंडल बनी है यहां पे अगर निफ्टी बैंक गिरावट बंद कर देता है तो यहां से निफ्टी बैंक को कम से कम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 39,000 का लेवल इंट्राडे में भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर निफ्टी बैंक इंट्राडे में भी 39,000 का लेवल नहीं तोड़ता है तो यहां से चांसेस है फिर से एक बारी रिकवरी के, और अगर निफ्टी बैंक इस लो को ब्रेक करता है तो यहां से निफ्टी बैंक हमें और ज्यादा डाउनसाइड के लिए जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि यहां से ये लो अभी इंपॉर्टेंट है, अगर ये लो के नीचे गया तो यहां से और ज्यादा फॉल देखने को मिलेगा, और इंट्राडे में भी अगर 39,000 के नीचे गया तो यहां से निफ्टी बैंक के अंदर निगेटिवनेस कंटिन्यू रहेगी ही रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अभी अगर ऑप्शन चेन डेटा हम लोग देखें निफ्टी बैंक का, तो अभी कॉल साइड में जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है अपसाइड के लिए 41,000 के लेवल के ऊपर। वही सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग कहाँ पे हुई है, तो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग 40,000 के ऊपर हुई है,
तो अभी अगर देखें तो 39,000 का लेवल अगर निफ्टी बैंक ने होल्ड रखा तो यहाँ से रिकवरी हमें देखने को मिलेगी और निफ्टी बैंक 40,000 के लेवल तक हमें फिर से एक बारी आता हुआ दिखाई दे सकता है। डाउन साइड की बात करें तो देखिए सपोर्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो देखिए पुट साइड में सबसे ज्यादा 39,000 और 38,000 के ऊपर हमें ओपन इंटरेस्ट बना हुआ दिखाई दे रहा है। पुट राइटिंग की भी बात करें तो पुट राइटिंग हमें इन तीन लेवल्स के ऊपर दिख रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल 38,000, देन 38,500, देन 39,000। तो अभी निफ्टी बैंक के लिए जैसे मैंने आपको कहा है चार्ट के ऊपर 39,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर इससे नीचे फिसल जाता है तो 38,000 के सपोर्ट के पास निफ्टी बैंक हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी ऑप्शन चेन डेटा हमने देख लिया है, चलते हैं चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक के। तो अभी अगर सपोर्ट की बात करें यहां से तो 39,050 का लेवल रहेगा, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिलेगा। 38,750 के पास फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा निफ्टी बैंक के लिए, अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो 38,510 एंड 38,350 के अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तरफ निफ्टी बैंक हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस 39,350 का लेवल रहेगा, अगर ये पार कर लिया निफ्टी बैंक ने तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 39,550 एंड 39,810 का लेवल रहेगा निफ्टी बैंक के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं निफ्टी बैंक के लिए। तो जो भी लेवल्स बताए हैं अपने चार्ट के ऊपर मार्क कीजिएगा, आपको ट्रेडिंग के वक्त डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। तो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना, वीडियो अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जिनको भी ये वीडियो यूजफुल है उन सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और उन सबको कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।